हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टेक्निकल मोटिवेशन में। और दोस्तों, वीवो वी 15 प्रो स्मार्टफोन अभी रिसेंटली वन वीक पहले लॉन्च हुआ था और ओप्पो एफ 11 प्रो भी लॉन्च होने वाला है। आज के इस वीडियो में दोनों का ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि वीवो वी 15 प्रो प्री बुक करना चाहिए या फिर इस ओप्पो एफ 11 प्रो का वेट करना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोन के अलावा मार्केट में और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे अपकमिंग स्मार्टफोन आ रहे हैं जो कि यहाँ पे काफी अच्छे फीचर्स लेके आएंगे, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का ही वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीवो वी 15 प्रो में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.39 इंच का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे 91.64% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो साथ आता है। इसके अलावा आपको इसमें फिफ्थ जनरेशन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है। दूसरी ओर अगर हम ओप्पो एफ 11 प्रो की बात करें तो आपको इसमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा 90.90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। तो यहाँ पे ना तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और ना ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, तो भाई ये चीज थोड़ी गलत लगी क्योंकि यहाँ पे ओप्पो केवल हमको 17,000 रुपए में एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ओप्पो ने खुद नहीं दिया, तो यहाँ पे इसको अपग्रेड करना चाहिए था और कम से कम सुपर एमोलेड डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर साथ में आना चाहिए था। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि आप इसको राइजिंग कैमरा बोल सकते हो या फिर एलिवेटिंग फ्रंट कैमरा बोल सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पे दोनों में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन वीवो वी 15 प्रो की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा जो कि यहाँ पे f2.0 अपर्चर के साथ आएगा। इसके अलावा ओप्पो एफ 11 प्रो में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का ये f2.0 अपर्चर के साथ एलिवेटिंग या फिर राइजिंग कैमरा देखने को मिलता है। अब अगर रियर कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल, बहुत सारे स्मार्टफोन है जो 48 मेगापिक्सल के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे आप बस सेटिंग चेंज किए और 48 मेगापिक्सल की पिक्चर ले सकते हैं। आप समझ तो गए होंगे यहाँ पे दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन आपको वीवो वी 15 प्रो में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलेगा, साथ में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। इसके अलावा ओप्पो एफ 11 प्रो में हमको 48 मेगापिक्सल के अलावा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा काफी यहाँ पे अच्छी क्लिक पिक्चर लेता हमने वीवो 15 प्रो में देखा था, तो दोनों में आपको पिक्चर क्वालिटी रियर कैमरा में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन कंसीडरिंग प्राइस यहाँ पे देखते हैं कि ओप्पो एफ 11 प्रो का प्राइस क्या होता है, उस हिसाब से हम इसको जज करेंगे। भाई दोनों के ही हम अगर सॉफ्टवेयर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर देखने को मिलता है ओप्पो एफ 11 प्रो में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। इसके अलावा वीवो वी 15 प्रो में बात करें तो आपको यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है और 29,000 की प्राइस में ये लॉन्च हुआ है। देखना होगा कि ओप्पो एफ 11 प्रो किस प्राइस में लॉन्च होता है। और इसके अलावा यहाँ पे दोनों में आपको दोनों के जो UI है वो लेटेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि बेस्ड हो गए यहाँ पे एंड्रॉइड पाई पे, दोनों में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड भी देखने को साथ में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन में बैटरी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, तो यहाँ पे दोनों में बैटरी अच्छी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ओप्पो एफ 11 प्रो में आपको 4000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी जिसको आप चार्ज कर पाएंगे यहाँ पे वो चार्ज 3.0 की टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें आपका ये ओप्पो एफ 11 प्रो स्मार्टफोन 30 मिनट्स में 49% यानी करीब आधा आपका चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हमने वीवो वी 15 प्रो का बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी किया था और बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी किया था, वो आप अपने चैनल पर देख सकते हैं, जहां पे एक घंटे के अंदर करीब 85% ये 3700 mAh बैटरी आपका ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मदद से चार्ज हो गई थी, तो वो वीडियो आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था दोनों का ब्रीफ कंपैरिजन जहां पे दोनों स्मार्टफोन में काफी चीजें कुछ अलग देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले ओप्पो एफ 11 प्रो में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ये देखना जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये किस प्राइस में लॉन्च होता है। अगर ये लॉन्च होता है 20,000 के आसपास या उसके अंडर में तो ये स्मार्टफोन अच्छा है, बाकी अगर ये 25,000 के करीब लॉन्च होता है तो काफी मतलब हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अगर बात करें तो और भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, दोनों में से अभी कोई भी जल्दीबाजी में ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको काफी स्मार्टफोन यहाँ पे आ रहे हैं। रेडमी नोट 7 की बात करें, सैमसंग के 2-3 स्मार्टफोन आ रहे हैं, रियलमी 3 आ रहे हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम तब जज कर पाएंगे कि 15,000 से 30,000 की प्राइस में हम कौन सा फोन कंसिडर कर सकते हैं। तो वो लॉन्च होने के बाद हम डिटेल रिव्यू जरूर डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।